नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पिंकीज किचन पर। और आज की रेसिपी ना बहुत ही यमी है, बहुत टेस्टी है। देख रहे हैं ना आप कितनी सुंदर लग रही है देखने में। ये है सूजी और आलू का बना हुआ नाश्ता और साथ में कोकोनट की चटनी, मतलब नारियल की चटनी। और ये जो नाश्ता बनाया ना बहुत जल्दी झटपट बन जाता है, बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, पर स्वाद में तो ये कई गुना, जैसे बाहर आप चाट या कुछ ऐसे टिक्की वगैरह खाते हैं ना, उससे भी आपको ज़्यादा टेस्टी ये लगेगा। देखिए कुछ इस तरीके का है और इसे हम खाएंगे नारियल की चटनी या टोमेटो सॉस, कुछ भी आप ले सकते हैं, पर आप एक बार बना करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसको झटपट बनाने का तरीका भी देख लेते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो पिंकीज किचन को फॉलो कर लीजिएगा और पिंकीज किचन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, ये है नारियल, कच्चा नारियल है ये, और कच्चे नारियल को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और जैसे आपके पास अगर कच्चा नारियल नहीं हो तो आप सूखा जो ड्राई पाउडर होता है ना, सूखे जो आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कच्चा नारियल और साथ में नमक स्वादानुसार जितना आपको खाना हो, साथ में दो हरी मिर्ची। और हरी मिर्च का तीखापन आप देख लीजिएगा, आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पे दो डाल रही हूँ और इसे काट करके ही डालेंगे जिससे कि पीसने में आसानी हो जाएगी। और थोड़ा सा इमली, तो इमली आप इमली डाल दें या फिर दही डाल दें, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, पर इमली डालेंगे तो बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल से आपको अच्छा लगेगा चटनी है। और ये है चने का आटा, तो अगर आपके पास भुना हुआ चना हो तो आप वो डाल दीजिए 2 चम्मच, या फिर 1 चम्मच ये चने का आटा डाल दीजिए, भुना हुआ होना चाहिए। साथ में पानी, और पानी मैं यहाँ पे 2 बार डाली हूँ, 1 बार ही दिखाई दिया है, 2 बार डाला है मैंने। और इसको हम पीस लेंगे, और पीसेंगे ऐसे कि मतलब एकदम पतला पतला पीसना है, बहुत मोटा नहीं रखना, नहीं तो फिर खाने में वो मोटा मोटा आएगा आपको, तो इसलिए एकदम पतला सा पीस लेना है नारियल की चटनी। और दोस्तों नारियल की चटनी तो किसी भी चीज़ के साथ अच्छी लगती है, तो अगर आप इसको बना के रख लेंगे ना तो किसी और रेसिपी के साथ भी खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में, शाम को नाश्ता होता है उसमें, किसी भी चीज़ के साथ। तो देखिए इसे मैंने 2-3 बार ग्राइंड किया है और ये देखिए कुछ इस तरीके का बन के आया है ना, एकदम पतला सा। बस इतना ही टेक्सचर इसका होना चाहिए, इतना ही पतला या गाढ़ा होना चाहिए। और इसके बाद चलिए हम नारियल की चटनी को अभी रखते हैं, फिलहाल इसका तड़का हम लगाएंगे बाद में। पहले हम सूजी और आलू का जो नाश्ता बना रही हूँ वो पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो आलू इसके लिए मैंने लिया है 1, आप चाहें तो थोड़ी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, पर 1 आलू बेसिक है। साथ में पानी, 2 बार पानी डाला मैंने, 1 कप पानी डाला है हाफ हाफ करके। तो इसको हम पीस लेंगे और इसे पीस के देखिए कुछ इस तरीके का पेस्ट आपका बन जाएगा, है ना, पतला पतला सा बन गया। और इसको पतला ही रखना है, अगर गाढ़ा रखेंगे तो फिर बनाते टाइम ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा पतला ही रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसे अब हम चलते हैं कढ़ाही में बनाने के लिए। तो यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले रही हूँ, यहाँ पर ले रही हूँ मैं चना दाल और उड़द दाल 1-1 चम्मच, जीरा 2 चम्मच लूँगी, अभी 1 चम्मच डाला है, मेथी दाना हाफ, 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच राई, साथ में लहसुन कूटा हुआ। और इन सबको साइड में पकाते हैं, बड़ी कढ़ाई होने का यही फ़ायदा है कि साइड से आप रख दें। और अदरक और लहसुन कूटा हुआ मैंने यहाँ पर डाला है, अब इन सबको हम थोड़ा सा गरम होने देंगे, कड़कने देंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ प्याज, 1 प्याज पूरा लिया है, आधा भी डाला, अभी थोड़ी देर में और आधा डालूंगी। और साथ में कड़ी पत्ता, अगर कड़ी पत्ता नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसके अलावा मतलब ऐसे भी बन जाता है, लेकिन हाँ कड़ी पत्ता डालेंगे तो बिल्कुल ही स्वाद अच्छा सा आएगा। और कड़ी पत्ता के बदले आप चाहें तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, जो हरी धनिया फ्रेश हो तो वो भी डाल दें। यहाँ पर मैं प्याज अब पूरे डाल रही हूँ, 1 पूरा प्याज लिया था, बड़ा प्याज था तो 2 बार में डाला, आप चाहें तो 1 बार में ही डाल लें। और इसके बाद इन सबको हम थोड़ा थोड़ा भूनेंगे। तो आपने देखा कि मैंने सबको बिल्कुल जलाया नहीं किसी भी चीज़ को, बस हल्का हल्का उसको तेल में कड़कने दिया है हल्का सा। और उसके बाद इसमें डालेंगे हींग, तो हींग जो बहुत ज़रूरी है इसके लिए, थोड़ा सा हींग से स्वाद बहुत अच्छा आता है और पचने में तो होता ही है, तो इसके लिए थोड़ा सा हींग। और इन सबको अब हम थोड़ा थोड़ा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें ना इसको जलाना है ना पकाना है,
तो मीडियम आंच पे इसको रखें और देखिए कुछ इस तरीके का ब्राउन कलर आ गया, हल्का गोल्डन ब्राउन आएगा, ज़्यादा नहीं। अब इसके अंदर जो हमने आलू को पीसा था ना, पोटैटो को, उसको डाल देंगे। तो देखिए गाढ़ा हो गया, तुरंत फटाफट आप इसके अंदर पानी डाल दें। और उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये तीखी है तो थोड़ा कम डालते हैं हम इसको। और देखिए आलू एकदम से कितना अच्छा गाढ़ा सा हो गया, अभी उबला भी नहीं है, उससे पहले ही गाढ़ा हो गया। तो पानी आप इसमें कम से कम तिगुना डालें, मतलब जितना आलू आपने डाला है ना उसका तिगुना पानी डालें। नमक स्वादानुसार, साथ में डालेंगे हम रवा या सूजी, जो भी आप कहते हो वो डालेंगे। और मतलब एक कप डालेंगे सूजी, हाफ अभी डाला है, हाफ थोड़ी देर में और डालेगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, अगर एक बार में आप सारा डाल देंगे तो ये एकदम से थिक हो जाएगा और फिर आपको वो चलाने में नहीं बनेगा। तो दो बार में इसको डालें, दो तीन बार कर लें फिर इसको डालें। और ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, फ्लेम को थोड़ा हाई ही कर लें, मतलब हाई पर रख लें और उसके बाद इसको चलाते रहें। तो ये देखिए धीरे धीरे करके दो से तीन मिनट में ये बिल्कुल ऐसे सूख जाएगा। और इसे अब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। जितना अभी जिस लेवल का दिख रहा है ना, बस उतने पे आके इसको बंद कर देना है चूल्हे को। और इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा नींबू का रस, मतलब एक नींबू का रस आप डाल सकते हैं। और नींबू के रस डालने से क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा खट्टापन आएगा तो खाने में अच्छा लगेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके का इसका थिकनेस हो गया और बस ये तैयार है हमारा सूजी और आलू का मिश्रण। चलिए हम नारियल की चटनी में तड़का लगाते हैं। इसके लिए सरसों तेल ले रही हूँ मैं यहाँ पे, आप चाहें तो कोई और तेल भी ले सकते हैं। राई, और राई को देखिए उड़ता है कितना ज़्यादा और बहुत जल्दी जल भी जाता है। इसमें डालेंगे एक लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग, और हींग ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि साउथ इंडियन खाने में थोड़ा सा हींग ज़रूरी होता है, और थोड़ी सी उड़द की दाल, चाहे चना की दाल डाल लें या उड़द की दाल डाल लें, और थोड़ा सा करी पत्ता। तो करी पत्ता मैंने बचा के रखा था। और इन सबको हमने बस चूल्हा बंद कर दिया है, गैस को ऑफ कर दिया, और ये देखिए तड़का तैयार है। अब इस नारियल की चटनी के ऊपर हम इसको डाल देंगे। तड़का लगाने से चटनी का स्वाद दोगुना हो जाता है, तो ज़रूर इसको आप तड़का लगा के खाएँ, बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा, और फिर टिकता भी ज़्यादा दिन है क्योंकि इसके अंदर ऑयल चला गया ना, तो थोड़ा टिकता भी है। फ्रिज में जैसे आप रख देंगे तो आप आराम से एक हफ्ते तक खा सकते हैं इसको, और किसी मतलब बर्तन को ढक करके रखिएगा तो ये सूखेगा नहीं। चलिए अब हमारा सूजी और आलू का जो मिश्रण है वो भी अभी थोड़ा गर्म है, इसको थाली में मैंने पलट दिया। और इसे अब हम क्या करेंगे, हाथ से कुछ इस तरीके से मिलाएंगे। तो अगर आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा सा अगर पतला है या गाढ़ा है तो थोड़ी देर के लिए और चूल्हे पे दोबारा से चला लें, ये वैसे मिश्रण ठीक है इतना। अब इसे हमने सेट करके रख दिया है, और अब हम क्या करेंगे कि हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा तेल और इसे हम कुछ इस तरीके से गोल गोल लड्डू की तरह बना लेंगे। तो इसको बनाने के कई तरीके हैं, चाहे तो आप इसको गोल बना लें, चौकोर बना लें और फिर आगे का कुछ करें। तो मैं यहाँ पे गोल बना रही हूँ कुछ इस तरीके से, देखिए बिल्कुल ही प्लेन प्लेन बन जाएगा। और नहीं हो तो थोड़ा सा हाथ में ही उसको मसल के देख लीजिएगा कि ये लड्डू बनने लायक है कि नहीं। तो इस तरीके से मैं जितने भी हमने आटा तैयार किया है जो सूजी और आलू का, उसका हम इस कुछ इस तरीके से गोल गोल लड्डू की तरह बना लेंगे। और देखिए मैंने बताया ना कि हाथ में हल्का सा उसको आप मसल भी सकते हैं, मसल के फिर लड्डू बनाएं तो और भी अच्छा बनेगा। तो चलिए हमारा लड्डू थोड़ा सा तैयार हो गया है, पूरा नहीं बनाया अभी मैंने, हाफ बनाया है। और यहाँ पे मैं गरम तेल रखी हुई हूँ, तो इस गरम तेल में अब क्या करेंगे, इस लड्डू को रख देंगे। अगर आपको तेल पसंद नहीं हो तो आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा तेल लें और उसके अंदर इसको ऐसे चलाएं जैसे आलू को फ्राई करते हैं ना कुछ इस तरीके से, लेकिन उससे पहले इसको स्टीम देना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टीम नहीं देंगे तो फिर ये कच्चा कच्चा आपको लगेगा, और कुछ इस तरीके से फ्राई कर देंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही यम्मी लगेगा, टेस्टी लगेगा, और ऐसे बनाना भी आसान होता है। तो इसको इस तरीके से हम
पलट पलट के गोल्डन ब्राउन करेंगे और ये नाश्ता आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत टेस्टी लगता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कैसी लगी ये रेसिपी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा और पिंकीज किचन को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और क्लिक बटन मतलब जो घंटी होता है ना उसको दबाना बहुत ज़रूरी है, उसको ऑल पे करना होता है। आप लोग शायद ऑल पे नहीं करते हैं ना, इसीलिए मुझे मैसेज भी नहीं आता। तो चलिए देखिए हमारा ये लड्डू जो है सूजी और आलू का तैयार होने वाला है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा निकाल लिया है मैंने, अब ये दो जो है वो देखिए कितने गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये इसको हमने निकाल लिया। तो बस हमारे लड्डू अब तैयार है और आगे चलिए आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ नारियल की चटनी और उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए कितना अंदर से इतना अच्छा पक गया है कि मैं बता नहीं सकती। तो चाहे तो आप वैसे भी इसको खा सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके से जैसे मैंने नारियल की चटनी में इसको लपेट लिया। और फिर मैंने रखा हुआ है आलू का भुजिया, जो आलू भुजिया नमकीन आती है ना वही आलू भुजिया है ये। तो देखिए इसको खाने का कितने तरीके हैं। तो इसको इस तरीके से कुछ लपेट के और ऐसे रख लीजिए और सर्व करेंगे तो ये और भी खूबसूरत दिखेगा। तो इस तरीके से है। और अगर आप चाहें तो टमाटर केचप होता है, टमाटर सॉस या टमाटो केचप जो भी हो उसके अंदर भी इसको इस तरीके से लपेट दीजिए। बच्चों को जो पसंद आए उस हिसाब से इसको लपेट के और नमकीन में जो आलू भुजिया का नमकीन है ना उसके अंदर इस तरीके से लपेट के और फिर उसको सर्व कीजिए। और देखिए लग रहा है ना एकदम ब्यूटीफुल। तो आप लोग फटाफट बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी, ब्रेकफास्ट रेसिपी। धन्यवाद।